हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड इट्स यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर कल मैंने आपको इन्फॉर्म किया था रियलमी 6i स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में, इंडिया लॉन्च के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो मनु कुमार जैन है और रियलमी इंडिया है, उन्होंने यहां पर कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करने की कोशिश की है कि जो रियलमी 6i स्मार्टफोन है वो जल्दी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आज फाइनली इस स्मार्टफोन की ऑफिशियली जो इंडिया लॉन्च डेट है वो कन्फर्म होकर के आ चुकी है और उसके साथ इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स भी निकल करके आ चुके हैं। मैंने कमेंट में देखा कि काफी सारे लोग बोल रहे थे कि इसमें मीडियाटेक का हेलियो G80 प्रोसेसर है, तो सभी कुछ आपसे डिटेल में यहां पर बात करने वाला हूं। उसके साथ यहां पर प्राइस के बारे में भी ऑफिशियली कुछ लीक्स निकल कर के आई हैं, जो कि सभी कुछ डिटेल में आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी लंबे इंतजार के बाद में इस स्मार्टफोन की जो लॉन्च डेट है वो ऑफिशियली यहां पर कंफर्म हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप यहां पर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं आपसे रियलमी 6i स्मार्टफोन की इंडिया कंफर्म लॉन्च डेट के बारे में, तो इसकी जो लॉन्च डेट यहां पर निकल करके आई है वो निकल करके आई है 24 जुलाई 2020। 24 जुलाई को फाइनली यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है, Realme का 6i स्मार्टफोन। अब ये जो स्मार्टफोन है वो Realme 6i स्मार्टफोन वो वाला नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं, जो कि और भी काफी सारी कंट्रीज में Realme 6i के नाम से गया है, जो कि Realme 6i स्मार्टफोन जो कि और भी काफी सारी कंट्रीज में गया है, वही सेम स्मार्टफोन Realme के Narzo 10 के नाम से इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आप लोग बोल रहे थे कि इसमें मीडियाटेक का हेलियो G80 प्रोसेसर है, तो वो ये वाला स्मार्टफोन नहीं है। ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर Realme 6s स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन है। तो Realme 6s स्मार्टफोन के सभी जो फीचर्स हैं वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, Realme 6s को Realme 6i के नाम से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन के ऑफिशियल कुछ कंफर्म फीचर्स के बारे में बात करता हूं, तो यहाँ पर साफ इस पोस्टर में दिखाया गया कि आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको MediaTek का हीलियो G90T प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। जो लोग बोले थे हीलियो G80 है उनको मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर MediaTek का हीलियो G90T प्रोसेसर दिया गया है, ये ऑफिशियली यहां पर कंफर्म हो चुका है। उसके साथ आपको पंच होल डिस्प्ले डिजाइन यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर इस स्मार्टफोन में अवेलेबल होगा। उम्मीद है कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। 20 वाट का चार्जर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो 30 वाट के चार्जर को 20 वाट के चार्जर में रिप्लेस किया गया है वो इस स्मार्टफोन की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए किया गया, ताकि जो Realme का 6i स्मार्टफोन है वो कम से कम प्राइसिंग पर यहां पर जो कंपनी है वो पेश कर सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ डिटेल यहाँ पर Realme 6i स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। अब अगर बात कर लेता हूँ इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पर माधव सेठ ने ऑफिशियली ये ट्वीट किया है कि वेरी पावरफुल मिड रेंजर पोस्ट GST हाइक इन इंडस्ट्री, यानी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में GST हाइक होने के बाद में जो स्मार्टफोन की प्राइजेस बढ़ाई गई हैं, उन प्राइजेस को देखते हुए, उन प्राइजेस की रेंज में ये जो स्मार्टफोन होने वाला है Realme का 6i स्मार्टफोन वो वेरी पावरफुल मिड रेंजर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और हो सकता है कि 15,000 के नीचे स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने के लिए मिले। उम्मीद है कि बेस वारंटी से स्मार्टफोन का जो होगा वो 12,000 से 13,000 रुपए की प्राइसिंग में आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर पूरा का पूरा चांस है कि दो वेरिएंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे Realme 6i स्मार्टफोन में। उम्मीद है कि एक जो वेरिएंट होगा वो होगा यहां पर 4GB रैम 64GB स्टोरेज, उसके साथ 6GB रैम 64GB स्टोरेज, या फिर 6GB रैम 128GB स्टोरेज। तो ये दो वेरिएंट्स आपको यहां पर Realme 6i स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, आप एक काफी अच्छा कैमरा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, आपका जो बजट है वो कुछ 12 से 13,000 रुपए के बीच में है, तो जो Realme का 6i स्मार्टफोन है वो आपके लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन होगा। अगर ये जो स्मार्टफोन है वो 12 से 13,000 रुपए के अंदर में इसका जो बेस वेरियंट है वो यहां पर इंडिया में लॉन्च होता है। अब आज Redmi Note 9 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है दोपहर के 12 बजे। 24 तारीख को Realme 6i स्मार्टफोन आ रहा है। सेम दोस्तों, ये जो हमने गेस किया था कि दोस्तों यहां पर जो Realme 6i स्मार्टफोन का पोस्टर था वो Flipkart पे निकल करके आया था, उसके साथ यहां पर मनु कुमार जैन ने कंफर्म कर दिया Redmi के Note 9 स्मार्टफोन को। इसी की वजह से दोस्तों यहां पर माधव सेठ और Realme इंडिया ने Realme 6i स्मार्टफोन का जो इंडिया लॉन्च है उसे डीले कर दिया कि देख लेते हैं Redmi के Note 9 है वो Redmi किस प्राइसिंग पे लॉन्च करती, किस फीचर्स के साथ में लॉन्च करती है, उसके बाद फिर हम अपना 4 दिन बाद यही सेम स्मार्टफोन Realme 6i स्मार्टफोन हो सकता है सेम उसी प्राइसिंग पे लॉन्च करें, ताकि वहां से भी जो Redmi का Note 9 है उसका पत्ता कट हो जाए। अब फाइनली क्या होने वाला है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, हालांकि काफी अच्छी कंपटीशन होने वाली इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, और इसके बीच में जो फायदा होगा वो डायरेक्टली कस्टमर का होने वाला है। अब देखते हैं आज जो स्मार्टफोन है Redmi का Note 9 स्मार्टफोन, फीचर तो हमें पता ही है, किस प्राइसिंग पे आता है, जैसे यहां पर स्मार्टफोन लॉन्च होता है सभी कुछ आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। वैसे अगर ये स्मार्टफोन एक ही प्राइसिंग पे आ जाते हैं तो ऐसे में जो Realme का 6i स्मार्टफोन
स्मार्टफोन होगा पर जरूर से एक बेटर ऑप्शन होगा यहाँ पर आपके लिए। और दोस्तों आपका क्या कहना है यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइएगा। फाइनल दोस्तों यहीं तक वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।